दिस इज लाइबा अब्बास और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए. देसी टीवी यूएसए या डी टीवी एनएन जो ये हमारे दो यूट्यूब चैनल्स हैं, दीज आर मेंट टू बी ऐसे चैनल्स जो आपको हर तरह का कंटेंट हर तरह की लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है. मतलब आप सोचो कि आपका जो बिजी स्केड्यूल है उसमें यू डोंट हैव टाइम टू लुक एट द सराउंडिंग्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब आपको नहीं पता होता कि दुनिया के फलाना हिस्से में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है. तो इस सब सूरत में यू नीड एक ऐसा चैनल जो हर तरह की न्यूज़ को कवर करे हर तरह की ममालिक में हर तरह की लैंग्वेज में आपकी ईज के लिए. अब ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ को कवर तो करते हैं बट उस तरह से वो हर लैंग्वेज में उसको कवर नहीं करते. बट देसी टीवी यूएसए इज़ वन ऑफ दोज ओनली चैनल्स जो आपको हर तरह का कॉन्टेंट हर तरह की लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है. And you surely don't want to miss out on such a channel. उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही साथ इफ यू वॉन्ट टू कीप इफ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, उसके लिए जरूरी यह है कि आप मेरे शो के साथ अपना एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप कर लें कि आपको पता ही ना चले कि मैंने कोई आपने कोई वीडियो मेरी एपिसोड की मिस की है. मेरे शो का नाम है क्रिकेट कैप्सूल बराबर बासी, जिसका एपिसोड रोज ऑन एयर जाता है. मतलब रोज़ मैं आप लोगों के लिए शो रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है ना. तो अगर मैं आप लोगों का इतना ख्याल करती हूँ तो आप लोग भी मेरा ख्याल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो के नीचे कमेंट करें. ना सिर्फ ये बल्कि शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे. भाई क्रिकेट की दुनिया में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पता चलता है क्या हो रहा है, पता चलता है क्या नहीं हो रहा. बट मैंने आप ये जो वीडियो है ये डिफरेंट टाइम चैप्टर्स में आप लोगों के लिए डिवाइड कर दिया. टाइम चैप्टर्स को देखने के लिए यू कैन जस्ट यू नो क्लिक द वीडियो और आपके नीचे जो है टाइम चैप्टर्स आ जाएंगे. जो आपने न्यूज़ इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली देखनी है आप उसको क्लिक करके इजीली जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो. जो पहला चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर चले मैनेजमेंट में तो इंस्टेबिलिटी है बट हमने अपना मजाक क्यों बनाया हुआ है. हम एक कॉमेडी शो क्यों बनकर रह गए, सर्कल शो क्यों बनकर रह गए. सबसे पहली बात ये कि पहले तो हम अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम अपने टैलेंट की कदर नहीं करते एंड वी आर लाइक वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है. और जब वही टैलेंट किसी और टीम को ज्वाइन करके जो है वो अपना नाम बनाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उससे बार बार सवाल पूछने लगते हैं, तुम प्लीज़ हमारी टीम में आ जाओ, तुम प्लीज़ हमारी टीम में आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर दें. ऐसे कर कर आके हमने अब तक कितने स्टार प्लेयर्स आए किए, इमरान ताहिर, रियाजत अली शाह, यू नो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल. अब रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो आपकी PSL में भी आपको नजर आई, उस्मान खान. उस्मान खान जैसा पावर हिटर इज हेल ऑफ अ प्लेयर. मतलब वो बंदा एज अ बैट्समैन इतना ग्रेट है कि जितनी तारीफ करो आप कम है. उसको प्रेशर सिचुएशन में ले आओ, उसको इजी सिचुएशन में ले आओ, उसको जिस नंबर पे ले आओ वो आपको हिटिंग करके देगा, वो आपके सामने छक्के भी लगाएगा, वो आपके सामने चौके भी लगाएगा. मतलब वो हर तरह से अपने आपको प्रूव करेगा कि बैट्समैन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं टू कंसिडर, राइट. हमने उस बंदे को ज़ाया किया, हमने उस बंदे को इतने बुरे तरीके से ज़ाया किया कि वो बंदा जो है वो 4 साल अब UAE में रह कर आया है, उसने डिफरेंट लीग्स खेली हैं. ना सिर्फ ये बल्कि उसे जो है मतलब उसने हर तरह की नौकरी की है, उसने यू नो एक इलेक्ट्रिक गैस कंपनी में भी काम किया, उसने मतलब छोटे से छोटी नौकरी करके वो बंदा अपने खर्चे पूरे करता रहा इस आस में कि एक दिन पाकिस्तान उसका टैलेंट रिकॉग्नाइज करेगी. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तब ख्याल आया जब उसके UAE के साथ ऑलमोस्ट ताल्लुकात जो हैं वो ऑफिशियल हो गए हैं. यानी कि अब बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी, वो गलत फहमी ये है कि उनको लगता है कि उस्मान खान इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ UAE इंटरनेशनल टीम, बट ऐसा नहीं है. अभी तक उस्मान खान के कुछ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस हैं जो कि दैट विल टेक 11 to 12 months टू गेट इनटू कंप्लीशन, ठीक है. लेकिन अभी तक मसला ये है, अभी तक बात ये की जा रही है कि उस्मान खान कैन यू प्ले फॉर पाकिस्तान, कैन यू डिलीवर इट फॉर पाकिस्तान इन द T20 वर्ल्ड कप. जवाब क्या आया उस्मान खान के तरफ, जब भी उस्मान खान से ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सवाल किया जाता है तो उनका हमेशा एक ही जवाब होता है, या तो वो उठ के चले जाते हैं या तो कहते हैं कि उनका सपना ये है कि ही स्कोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ बिग इवेंट. लेकिन अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुद अप्रोच किया जर्नलिस्ट से हट कर और उनसे खुद बात की, तो उस्मान खान ने ये बात की कि उन्होंने कहा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप साइन करें कि आप मेरी ये नीड्स पूरी करें. जाहिर सी बात है अगले ने भी तो घर चलाने, अगले ने भी तो अपनी फैमिली नीड्स पूरी करनी, अगले ने भी तो देखना है कि उसकी ईज किस चीज़ में. अब वो UAE से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे,
वो पाकिस्तान की वजह से अपने यूएई से ताल्लुकात करें, पता चले कि उसकी पाकिस्तान थोड़ी सी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो जाए, उसको टीम से बाहर कर दें, तो ना वो यूएई का रहे ना वो पाकिस्तान का रहे। पाकिस्तान में तो यही होता है कि आप थोड़ा सा आपका प्लेयर अप एंड डाउन जाता है, आप उसको बाहर फौरन निकाल देते हो, तो फिर उस बंदे को अश्योरिटी चाहिए, और उस अश्योरिटी के लिए उस बंदे ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का कहा है पीसीबी से। उसने कहा है कि ये आप मेरी नीड्स पूरी करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन भी हुई तो आप मेरा खर्चा पानी नहीं रोकेंगे ETC। ठीक है, तो ये जो सीन है, अब उस्मान खान की तरफ से जो ये जवाब आया मुझे काफी अच्छा लगा। ये काफी बोल्ड जवाब है, एक बोल्ड ऑफर है, और देखते हैं कि उस्मान क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पर अपना रद्द अमल क्या इजहार करती है उसका, एंड क्या वो उस्मान खान विल बी एबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तो उन्होंने 2-3 मैचेस खेले थे, तो वन द टॉप स्कोरर्स लिस्ट में आ रहे हैं। अगर यही वो सारे मैचेस खेलते तो फिर सोचिए आप उनके रन्स कहाँ जाके पहुँचते। तो उस्मान खान इज़ रियली अ बिग एसेट फॉर एनी टीम ही प्लेज फॉर। उसके अलावा अगर आप बात करें इमाद वसीम की, सेम गोस फॉर इमाद वसीम। अब एक बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया, उसने कहा कि अब वो बंदा इमाद वसीम, आई एम नॉट अगेंस्ट इमाद वसीम, ठीक है ना, मतलब वो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है शुरू से, प्लेयर एज अ प्लेयर मुझे इमाद वसीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और मैं उनकी तारीफ करती हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, और अब वो कह रहे हैं कि वो खेलेंगे जब भी पाकिस्तान। भाई तो अब अगर आपने एडियनडे खेलना ही है तो रिटायरमेंट लेने का पर्पज़ क्या था? अभी आपका वर्क तो आया नहीं था रिटायरमेंट का, जो आपने रिटायरमेंट अब वो अटेंशन सीकिंग सिर्फ पर्पज़ के लिए आपने किया था या किस लिए किया था हमें नहीं पता। बट अगर आप कह रहे हो कि इफ़ पाकिस्तान विल नीड यू, यू विल प्ले फॉर पाकिस्तान, तो फिर रिटायरमेंट लेने का मकसद क्या था? मुझे बस इतना एक्सप्लेन कर दो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि अगर रिटायरमेंट ले लिया तुमने तो बस ठीक है ना, चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक बंदे ने रिटायरमेंट ले ली है फिर उसको दोबारा मजाक बनाया हुआ रिटायरमेंट को भी, इन्होंने ऐसे जब दिल चाहता है टीम में आ जाता है, जब दिल चाहता है टीम से बाहर चले जाते हैं। ऑल्दो वी नीड इमाद वसीम, बट दिस इज नॉट द वे कि मतलब आप एक दफ़ा रिटायरमेंट अनाउंस करके लाइक मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना जब भी उसको जरूरत हुई। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इमेच्योर, दिस इज समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल। आपको क्या लगता है? अपनी राय का जो है वो इजहार ज़रूर कमेंट्स बिलो में कीजिएगा, आई विल आंसर यू फॉर श्योर। उसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं तो IPL, आपको पता है एक दो रोज़ में इंडियन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट है, ठीक है, और बड़े मज़े की जो है, मैंने आपको कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग जैसे ही स्टार्ट होगा आई विल बी कवरिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, उसको कवर करने के लिए। आप हैं डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। इंडियन प्रीमियर लीग में जो उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसमें ये था कि इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंटेटर्स की दुनिया में एक और कमेंटेटर का इजाफा हो रहा है, एंड ही विल बी नन अदर देन नवजोत सिंह सिद्धू। येस, द कॉमेडी किंग, द होलसम किंग, आई मीन दिस गाय इज बेस्ट फॉर श्योर। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू जी जो है मुझे बहुत पसंद है, आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में भी बैठ के जो हंस रहे होते हैं, लाइक जोकिंग ऑल अराउंड। लेकिन अगर आपको लगता है जो वो लोग जिनको नहीं पता कि ही हैज़ ऑल्सो बीन अ क्रिकेट कॉमेंटेटर, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने कॉमेंट्री की है 2001 में, इन्होंने अपनी कॉमेंट्री का आगाज़ किया था, और क्या इनकी कॉमेंट्री होती है। क्रिकेट का नॉलेज उनको वैसे ही है, बट द सेंस ऑफ ह्यूमर ही एड्स अप, एंड यू नो दिस फिलोसफी, मतलब जिस तरह से उर्दू के हमारे कॉमेंटेटर है तारिक सईद, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो फिलोसफ लॉजिकल बातें करते हैं और वो फिलोसफी हर जिंदगी के एस्पेक्ट को लेकर आते हैं क्रिकेट की कमेंट्री में, तो इट एड्स अप अ रियली गुड टेस्ट। तो नवजोत सिंह सिद्धू का भी यही सीन है, बस वो ये है कि थोड़ा सा कॉमेडी वो ज़्यादा कर लेते हैं, चाहे उनकी इंग्लिश की कॉमेंट्री हो चाहे वो हिंदी की कॉमेंट्री हो, इट्स ऑलवेज ऑन पॉइंट, ठीक है। उनकी कमेंट्री दुनिया पसंद करती है, दुनिया देखती है, और जब भी ये कमेंट्री करते थे एवरीबॉडी यूज टू लिसन टू हिम बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एज अ कमेंटेटर। हर तरह का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। और अगर आपको लगता है क्रिकेट की नॉलेज का इनको कैसे पता, तो मैं आपको ज़्यादा चलूँ 1989 से लेकर 99 तक जो है ये क्रिकेट खेलते रहे, और उस ज़माने की क्रिकेट आपको भी पता है मुझे भी पता है कितनी मुश्किल है, तो अच्छा खासा इनको क्रिकेट का नॉलेज है। उसके अलावा ही इज़ बिन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इमरान खान, हमारे जो विनिंग कैप्टन है, उसके अलावा जो है वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है हमारे, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, और तमाम पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन भी हैं इमरान खान, उनके अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, उनके साथ अच्छे टर्म भी हैं, इसका मतलब कि अच्छे इंसान हैं। तो मैं तो उनकी कमेंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप हैं, डू टेल मी इन द कमेंट बिलो। दूसरी अपडेट ये आ रही है कि
बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा का. आपको पता है कि विराट कोहली, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे विराट कोहली का फ़ैन क्लब सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ विराट कोहली के फ़ैन क्लब से ज़्यादा रोहित शर्मा का फ़ैन क्लब है. अब ये मुझे कैसे एक्सपीरियंस हुई, बात जाहिर सी बात है जो ट्विटर यूज़ करता रहता है उसको आइडिया होता है कि फ़ैन क्लब्स इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके हैं. और मैं आपको बताते चलूँ कि रोहित शर्मा के फ़ैन क्लब्स इतनी तादाद में, इतनी तादाद में, ठीक है. अब जब हार्दिक पांड्या को अपॉइंट किया गया है एज ए कैप्टन फॉर मुंबई इंडियंस, तो रोहित शर्मा के फैंस अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ एंड देर ऑल अगेंस्ट हार्दिक पांड्या एज कैप्टन फॉर मुंबई इंडियंस, ठीक है. अब मुझे समझ नहीं आती इसमें इतना फर्स्ट क्रिएट करने वाली कौन सी बात है. आप देखो कि रोहित शर्मा इज नाउ यू नो हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, स्पेशली फॉर T20s, इफ आई टॉक अबाउट हिज T20s, ठीक है, एंड ऑफ करियर होने वाला है. आप मुझे समझ नहीं आती पास्ट में हम क्यों फंसे रहते हैं, वाई आर वी ऑलवेज स्टक इन पास्ट. जो पास्ट के प्लेयर्स ने करना था वो कर लिया, अब इट्स टाइम टू हेड ऑन टू फ्यूचर. फ्यूचर स्टार्ट्स के पास क्या है आपको डिलीवर करने के लिए, एंड हार्दिक पांड्या इज समवन, ठीक है, जो खुद भी एज ए कैप्टन प्रिपेयर हो सकता है एज अ फ्यूचर कैप्टन फॉर इंडिया, इंडियन T20 साइड और आगे. तो मतलब द पॉइंट इज के वो आप जनरेशन को देखो, वो नई आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेगा और उसको जो है वो रेडी करेगा. तो ये जो एक आपका इमोशनल अटैचमेंट ठीक ही होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले आने वाले कैप्टन पे चढ़ाई करना शुरू कर दो. अगर आपको रोहित शर्मा ने 5 टाइटल्स जितवाएं तो हार्दिक पांड्या पे भी ट्रस्ट करो, क्योंकि क्लच गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान जो होती है इंडिया की उसमें हमेशा हार्दिक पांड्या आपका परफॉर्म करता है, आपका रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करता. तो ये चीज़ है. ओडीआई की बात नहीं कर रही, T20 की बात कर रही हूँ. उसके अलावा आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, रैपिंग द वीडियो. आप उसमें हमने बात करनी है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा. मैंने आपको बताया था कि अगर मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को ट्रॉफी जितवा देते तो हेड ऑन और स्ट्रेट अवे एक बात हो जानी थी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नए T20 कप्तान होते, लेकिन सिंस वो हार गए हैं, ठीक है, शताब खान जीत गए, तो अब मुझे लगता है चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहा है. उसके अलावा मोहसिन नकवी, आपको पता है कि ना सिर्फ वो चेयरमैन PCBA बल्कि उन इंटीरियर मिनिस्टर भी वही हैं और बहुत सारे पंजाब के सेक्टर्स में जो हुक्मरानी है उनकी यही है, तो उनके जिम्मे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही हट के बहुत सारे काम होते हैं. अब क्योंकि उनके जो रिलेशन है वो वहाब रियाज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो खबर ये आ रही, सोर्सेज ये बता रही है कि वहाब रियाज जो है उनको उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा, और अगर उनको उनकी पोस्ट से हटाया भी जाता है तो उनको एक बड़ी और पोस्ट जो है वो अपॉइंट कर दी जाएगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट मैटर्स. ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है. मोहसिन नकवी और वहाब रियाज के दरमियान अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते एंड ही डोंट वॉन्ट टू सिर्फ यू नो मतलब डिस्ट्रॉय द पोजिशन ऑफ वहाब रियाज, इसलिए वो वहाब रियाज को तो अपने सेक्टर से नहीं हटाएंगे, ये बात कंफर्म है. लेकिन आपको बताते चलूँ कि आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले 10 दिन में ना सिर्फ आपको अपना नया कोच बल्कि अपना नया कप्तान भी मिल जाएगा. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच और नया कप्तान दोनों पता चल जाएगा कि क्या शाहीन शाफरीदी ही कप्तान है या फिर नए कैप्टन को लेकर आ जाएगा. ये आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आपको भी पता चलेगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, मुझे भी पता चलेगा. तो प्लीज़ अपने आपको इस शो के साथ जो है वो लिंक्डइन रखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो शेन वॉटसन आउट ऑफ रेस है. तो अब देखना ये होगा कि कौन जो है वो पाकिस्तान का नया हेड कोच बनेगा और पाकिस्तान का कैप्टन शाहीन ही रहेगा या कोई नया हटकर आएगा. वेल दिस वॉज माई एपिसोड फॉर टुडे. वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर दें, कॉमेंट जरूर कीजिएगा. दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ.